कार्तिक मास तुलसी पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराते हैं। इस दिन तुलसी माता का भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से विधि विधान से विवाह कराया जाता है। इस दिन से शादी विवाह समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। दृग पंचांग के अनुसार इस साल 12 नवंबर 2024 को ही तुलसी विवाह है। धार्मिक मान्यता अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से तुलसी माता के विवाह का आयोजन करता है उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी उन्हें मिलता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन में किन किन सामग्री की जरूरत होगी और तुलसी विवाह विधि क्या है। तुलसी विवाह के दिन पूजन के लिए तुलसी का पौधा, शालिग्राम भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर, पूजा की चौकी, लाल रंग का वस्त्र, कलश, केले का पत्ता, हल्दी की गांठ, चंदन, रोली, तिल, मौली, धूप, दीप, तुलसी माता के लिए श्रृंगार सामग्री, गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा, मूली, आंवला, आम का पत्ता, नारियल, अष्टदल, कमल, शकरकंद, गंगाजल, सीताफल, अमरूद, कपूर, फल, फूल, बताशा, मिठाई इत्यादि। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह विधि क्या है। सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं, गेरू और फूलों से तुलसी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित कर उस पर गंगा जल छिड़क कर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम को स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित कर पीले चंदन से उनका तिलक करें। तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूप बत्ती और घी का दीप प्रज्वलित करें। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम या तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।